नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको उन माताओं के लिए वीडियो है जिन माताओं का पति के कारण बुरा हाल है। पति मदिरा पी के आते हैं, पति लड़ाई करते हैं, पति कदर नहीं करते हैं, पति बहुत परेशान करते हैं, पति खून पे जाते हैं, उन माताओं बहनों के लिए। देखिए, जब कोई लड़की अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे के घर में जाती है तो एक समर्पण करती है, पूरे जीवन किसी दूसरे के नाम न्योछावर कर देती है, किसी दूसरे के घर को अपना घर मानती है, और वहां अगर उसकी कदर नहीं होती है, वहां अगर उसके विचारों को समझा नहीं जाता है, वहां अगर उसके साथ अन्याय होता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। भगवान की कृपा रही तो आज मैं जो बात बताऊं वो आपने कर ली तो प्रभु की कृपा से आपकी समस्त पीड़ाएं एक दिन में दूर हो जाएगी। नहीं तो इसे 3-4 बार कर लीजिएगा, कोई भी दिन चुन लीजिएगा, कोई भी समय चुन लीजिएगा, उस किसी भी दिन किसी भी समय इस काम को किया जा सकता है, कोई प्रतिबंध तो है नहीं। तो कोई भी समय का चुनाव करके आज जो मैं बात बताऊँ उस काम को आप कर लीजिए। क्या काम है? आपको लगता है ऐसा कि आपके पति के कारण आपकी ज़िंदगी खराब हो जा रही है, आपके पति आपको मारते हैं, आपके पति आपकी पिटाई करते हैं, आपके पति आपकी बात को समझते नहीं हैं, आपके पति आपकी कदर नहीं करते हैं, इस प्रकार के जब हालात पैदा हो गए हैं घर में तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको पति का बिना धुला हुआ कोई भी कपड़ा लेना है, कोई बनियान भी ले सकते हो, बिना धुला हुआ कोई अंडरवेयर भी ले सकते हो, कोई पजामा भी ले सकते हो, धोती भी ले सकते हो, अंगरखा भी ले सकते हो, कोई भी कपड़ा जो उनके शरीर से टच रहते हैं और वो बिना धुला हुआ, उसको धोया नहीं गया हो अभी तक, उस कपड़े को आप चुपचाप से उठा लीजिए। उठा करके एक बार कर लीजिए, बहुत भगवान को स्मरण करके कि प्रभु शुक्रवार के दिन करते तो सबसे बढ़िया रहता है, वरना कोई भी दिन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बृहस्पतिवार शुक्रवार के दिन बहुत बढ़िया रहता है। भगवान, मेरे पति के कारण मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही है, मुझ पर कृपा करो, मेरे पति को सुबुद्धि प्रदान करो कि वो मुझसे प्रेम करे, मेरी बातों को समझे, मुझे अपने दिल से लगाए, हमारे घर में सुख शांति हो, ऐसा आप बोल करके। वो जो कपड़ा है उस कपड़े को लीजिए और उस कपड़े को लेकर के उसमें 7 बड़ी इलायची रखिए, 7 फूलदार लौंग रखिए। देखिए, उसका कोई भी फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, 7 फूलदार लौंग रखिए। 7 जो पूजा में सुपारी काम में लेते हैं ना, कच्ची सुपारी पूजा में काम में लेते हैं, गणेश जी बनाते हैं उसको वो लपेट करके मोली, और फिर ओम गंगणा और गणाधिपति वो मंत्र वगैरह बोल करके उनको गणेश जी मान करके उनकी पूजा करते हैं ना वो, तो वो सुपारी 7 सुपारी लेनी है। बस इन तीनों चीज़ों को लेकर के उस कपड़े में आप बांध दीजिए। बांध करके घर से उत्तर दिशा की तरफ कोई सुना स्थान, कोई जंगल, कोई खाली स्थान मिलता है, वहाँ थोड़ा खड्डा खोद करके इस पूरी पोटली को आप दफन कर दीजिए, दबा दीजिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा मेरे घर में सुख शांति हो, प्रेम हो, हम पति पत्नी के बीच में खूब प्रेम हो जाए। बस इतना कीजिए करके बिना पीछे मुड़े अपने घर लौट आइए, हाथ पैर धो करके घर में घुसिए। प्रभु ने चाहा तो एक ही रात में, एक ही दिन में आपका काम हो जाएगा और आपको आपका पति जो है उसके स्वभाव में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आपका पति आपको प्रेम करने लगेगा। ये वीडियो माताओं बहनों के लिए है, तो मैं चाहता हूँ कि माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि कई माताओं बहनों तक ये पहुँचे और जिस किसी की ज़िंदगी में ऐसा वास्तव में प्रोग्राम चल रहा है, बेचारी परेशान है, तो उनको लाभ मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।